गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसके दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ऑन द बेसिस किस बेस पे है ये? ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्बेट। ठीक है, कल मैं वीडियो में आपको बता चुका था कि एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट क्या होते हैं, तो उसी बेस पे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। यहां पे हम इनका डिफरेंस भी पता कर लेते हैं लाइन खींच के कि क्या दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए, मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेट मोर एब्जॉर्बेट प्रेजेंट मोर एट द सरफेस देन बुल्क पार्ट, बुल्क। एंड नेगेटिव एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? इफ कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेट, इफ कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेट प्रेजेंट लेस एट द सरफेस देन बुल्क। ठीक है, बुल्क भी मैंने आपको बताया था, फिर से देख लेंगे हम। देखिए, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। ये हमारा कोई सब्सटेंस है और इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्बेंट। ठीक है, ये कोई दूसरा कंपाउंड या मटेरियल सब्सटेंस इस पे आके जो है एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसका, इसकी सरफेस पे एब्जॉर्प्शन हो गया, ये आ गया आपका क्या? एब्जॉर्बेंट। ये बुल्क पार्ट है और ये सरफेस है। ठीक है, अब इस बुल्क पार्ट का जो कंसंट्रेशन है उससे ज्यादा इस सरफेस पे कंसंट्रेशन हो एब्जॉर्बेंट का, तो ज्यादा है सो इसको पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। और इसमें क्या होता है, ये एब्जॉर्बेंट है, एब्जॉर्बेंट, और ये अन्य सेकंड जो अदर जो मटेरियल है, सब्सटेंस जो है, यहां पे आके इस पे एब्जॉर्प्शन हुआ, ये बुल्क पार्ट। तो इस बुल्क पार्ट के अंदर जो है कंसंट्रेशन ज्यादा हो कंपेरिजन टू सरफेस, सरफेस पे क्या हो कंसंट्रेशन कम हो, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है थर्मोडायनामिक ऑफ एब्जॉर्प्शन। थर्मोडायनामिक्स में एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, गिब्स एनर्जी वगैरह, इसकी बात करेंगे। देखिए, जो एब्जॉर्प्शन है वो सरफेस पे हो रहा है, किसी भी सब्सटेंस की सरफेस पे। ठीक है, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एब्जॉर्प्शन क्या है? एंडोथर्मिक एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज, ये हमेशा एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक।
एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बिकॉज ड्यूरिंग टू एब्जॉर्प्शन सरफेस एनर्जी इज डिक्रीज। क्यों है ये? क्योंकि बिकॉज एनर्जी जो सरफेस की एनर्जी है, सरफेस एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है, डाउन होती है, डिक्रीज होती है। एरो इस तरफ लगा रहा हूं तो इसका मतलब है डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। सो दैट डेल एच एंथैल्पी चेंजेस, जब एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो वी नो दैट एंथैल्पी डेल एच इज इक्वल टू नेगेटिव होगा। 11th क्लास में पढ़ा था अपन ने ये चीज, डेल एच इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है ना। एंड एंट्रोपी, देखिए एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो ये सब्सटेंस है एब्जॉर्बेंट, तो गैस के पार्टिकल्स इसके ऊपर जाके यहां पे बैठ गए एक सीक्वेंस में मान लीजिए, या एक जगह इकट्ठे से हो गए, तो मतलब इसको कह सकते हैं अपन ये एक तरह से व्यवस्थित हो गए, ठीक है ना। और इसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम शो करते हैं एस से। एंट्रोपी में जो चेंजेस होगा वो क्या हो रहा है यहां पे? देखो जितने ज्यादा पार्टिकल्स फैले होंगे उसका मतलब होता है कि एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा है, ठीक है। और अगर एक सीक्वेंस में आके पास पास क्लोजली पार्टिकल्स आ जाते हैं तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो एंट्रोपी इज इक्वल टू नेगेटिव, ये भी क्या होती है? नेगेटिव होती है, क्लियर। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है हमारी, 11th क्लास में भी बताया गया था ये आपको टॉपिक, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ टीजेड इक्वेशन। इसके अकॉर्डिंग गिब्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अब यहां पे देखिए डेल जी इज इक्वल टू, ये भी नेगेटिव है, ठीक है, माइनस डेल एच, ये साइन आएगा माइनस का, टी आ जाएगा, और एंट्रोपी भी क्या है? नेगेटिव है, क्लियर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इट मींस डेल जी इज इक्वल टू माइनस डेल एच पॉजिटिव टी डेल एस। एट नॉर्मल और लो टेम्परेचर पे क्या होता है? हमेशा नॉर्मल और लो टेम्परेचर पे डेल एच बड़ा होता है टी डेल एस से, ठीक है ना। सो डेल जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यहां पे ये क्या है? बड़ा है, किससे? टी डेल एस से। इस वजह से डेल जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सो डेट हम कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है ना। एडजॉर्प्शन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मींस कि अपने आप होने वाला, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मींस कि जो अपने आप ना हो, हमें उसमें एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ये अपने आप होने वाला प्रोसेस है, इसलिए इसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये तो बेसिस पे जो अपन ने कंसंट्रेशन का जो बेस था एब्जॉर्बेंट का, उसके बेस पे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम दूसरा बेस लेते हैं इसके टाइप्स में, टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल एंड केमिकल ऑन बेसिस क्या है? किस बेस पे? ये हम कर रहे हैं अट्रैक्शन फोर्सेस पे,
किस बेस पे? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, पार्टिकल्स में हम जानते हैं कि केमिकल अट्रैक्शन फोर्स और फिजिकल अट्रैक्शन फोर्सेस होता है। फिजिकल एडजप्शन में और केमिकल एडजप्शन में हो क्या रहा है, देखो हम इसको डिवाइडेशन भी कर लेते हैं ताकि इसमें डिफरेंस भी हो जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं इसको इस तरीके से, डिवाइड करके हम यहां पे लिख देंगे फिजिकल और दोनों। दोनों में देखो पहले मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूं क्या हो रहा है। फिजिकल में क्या होता है, हम जानते हैं कि सब्सटेंस, जो भी कोई भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स हैं, दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वीक वंडरवाल फोर्स के थ्रू। किसके थ्रू? वीक वंडरवाल फोर्स के थ्रू। तो जो वीक वंडरवाल फोर्स हैं उसके थ्रू ये क्या करेंगे, एक दूसरे को एडजस्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, वीक वंडरवाल फोर्स होता है। तो ये अपना एब्जॉर्बेंट है और ये एब्जॉर्बेंट है। ये जब यहां पार्टिकल्स आएंगे तो इस पार्टिकल्स और इसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। इसके जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं और इसके पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। जैसे ये सरफेस है, इसकी सरफेस मान लेते हैं ये सरफेस है, ठीक है, और ये अपना एब्जॉर्बेंट है जिसके पार्टिकल्स यहां पे आए। ठीक है, तो इस एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट दोनों के, ये एब्जॉर्बेंट है ये एब्जॉर्बेंट है, इन दोनों के बीच में जो है एक अट्रैक्शन फोर्स होगा इन पार्टिकल्स, सरफेस के पार्टिकल्स और ये जो पार्टिकल्स आए हैं इनके बीच में, ये अट्रैक्शन फोर्स होता है वंडरवाल फोर्स, वंडर वाल फोर्स, जो कि वीक होता है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है। वीक वंडरवाल फोर्स के थ्रू ये सरफेस के पार्टिकल्स इन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और ये इसके ऊपर आके बैठ जाते हैं सरफेस पे। जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, ये एडजॉर्बेंट है और इस पे ये पार्टिकल्स जो हैं एब्जॉर्बेंट के, इनमें फ्री वैलेंसी होती है। क्या होती है? फ्री वैलेंसी। और उन फ्री वैलेंसी के साथ ये बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, केमिकल रिएक्शन करके बॉन्ड बना लेते हैं। यहां बॉन्ड बनता है, केमिकली बॉन्ड बनता है यहां पे। ठीक है, इसलिए इसको केमिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं या फिर इसको हम लैंगमुयर एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं, लैंगमुयर एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यहां पे केमिकली बॉन्ड बन रहा है, फ्री वैलेंसी है और यहां पे केवल वीक वंडरवाल फोर्स द्वारा पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके सरफेस पे बैठ जाते हैं। क्लियर? चलो, दोनों में आपको ये फोर्स भी पता चल गया कि फिजिकल एडजॉर्प्शन के अंदर वंडरवाल फोर्स लग रहा है तो इसमें लैंगमुयर फोर्स लग रहा है, केमिकल फोर्स लग रहा है। सेकेंड डिफरेंस की अगर बात करें तो ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस की अगर बात करें तो जो वंडरवाल फोर्सेस जब प्रेजेंट होते हैं तो एब्जॉर्बेंट जो है, एब्जॉर्बेंट, इन दोनों के बीच में जो है अट्रैक्शन लग रहा है जिसके कारण से फिजिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है। जबकि यहां पे एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच में जो है एक केमिकल बॉन्ड बन रहा है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है ना, केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसलिए हम इसको बोलते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं जिसके कारण से ये बॉन्ड बन रहा है। नेक्स्ट, इसके डिफरेंस की अगर बात करें कि ये जो है एक स्पेसिफिक, इनका जो है स्पेसिफिक नेचर नहीं होता है, यानी नॉट स्पेसिफिक नेचर। ठीक है, ये किसी भी पार्टिकल्स के साथ में किसी का भी कोई सा भी एब्जॉर्बेंट हो सकता है, कोई सा भी एब्जॉर्बेंट हो सकता है। जबकि यहां पे केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो इसलिए ये जरूरी है कि वो दोनों आपस में रिएक्ट करते हो। कौन? एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट दोनों आपस में क्या करते हो? केमिकल रिएक्शन करते हो, केमिकल बॉन्ड बनाते हो, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हो। सो डेट ये क्या हो गया, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक नेचर हो गया इनका। ठीक है, ये जो प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या है ये? रिवर्सिबल, और ये नॉन रिवर्सिबल है। इनरिवर्सिबल बोल दीजिए, इरिवर्सिबल बोल दीजिए आप,
इरिवर्सिबल। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर अगर बात करें मोलर एडजॉर्प्शन हीट एंथैल्पी, या फिर बोल दीजिए मोलर एडजॉर्प्शन हीट, वो होती है 20 से 40 किलो जूल पर मोल, जबकि इसकी होती है हाई, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बन रहा है, यहां तो वीक वंडरवाल फोर्स था इसलिए एनर्जी कम चाहिए, यहां पे केमिकल बॉन्ड बन रहा है इसलिए इसकी हाई होती है 80 से 240 किलो जूल पर मोल। ये डिफरेंस कई बार पूछ लेता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ये मल्टीपल लेयर में होता है, किसमें? मल्टीपल, मल्टी लेयर बनती है इसमें, जबकि इसके अंदर केवल मोनो लेयर यानी कि सिंगल लेयर बनती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल्स इसके साथ में अट्रैक्ट होके यहां पे बैठ गया, तो दूसरे पार्टिकल पे भी आपस में अट्रैक्ट होके यहां पे बैठ सकते हैं आराम से। वान डर वाल फोर्स तो पथ हर पार्टिकल के बीच में होता है, तो मल्टी लेयर बन जाती है। जबकि यहां पे जो फ्री वैलेंसी थी वहां पे इन्होंने बॉन्ड बना लिया, अब जो और पार्टिकल्स आएंगे सेकेंड लेयर के, उन पार्टिकल्स के लिए फ्री वैलेंसी बची नहीं, तो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा तो सेकेंड लेयर नहीं बनती है। क्लियर? अब रेट की बात करें, इसकी रेट क्या होती है, इसकी स्पीड क्या होती है फिजिकल की। देखिए ये जो है फिजिकल एडजॉर्प्शन, उसकी रेट जो है धीरे धीरे डिक्रीज होती है। कब? टेम्परेचर इंक्रीज करें, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इसकी जो रेट है वो डिक्रीज होगी। और इसमें जो अगर टेम्परेचर की बात करें तो इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पर केमिकल जो एब्जॉर्प्शन होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेट भी इंक्रीज होगी एक टाइम तक, ठीक है, फिर डिक्रीज हो सकती है, लेकिन पहले टेम्परेचर अगर अपन ने इंक्रीज किया तो रेट भी इंक्रीज होगी। तो ये था फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन में डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स।